वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस कविता के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। यह कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता संकलन गीतांजलि से ली गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। 8 वर्ष की कच्ची उम्र से ही वे कविता लिखने लगे थे। वे कवि, नाटककार, गीतकार, दार्शनिक, कलाकार और समाज सुधारक थे। यूरोप के बाहर वे पहले कवि थे जिन्हें 1913 में उनकी सुंदर और संवेदनशील कविता गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता और चंचलता का अद्भुत संगम था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हो गई। अपनी कविता गीतांजलि के इस अंश में कवि टैगोर अपने देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं और ईश्वर से उसकी खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि उनके देशवासियों को अब डर कर नहीं रहना चाहिए और समाज को बुराइयों से मुक्त करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं जो पंक्तियाँ हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। तो इस कविता में कवि टैगोर ईश्वर से अपने देश को वहाँ ले जाने की प्रार्थना करते हैं जहाँ मन में किसी भी प्रकार का डर न हो और सर को ऊंचा रख जीना संभव हो। यहाँ डर का अर्थ अंग्रेजी शासन में भारतीयों के मन में डाला हुआ डर है। यहाँ कवि अंग्रेजों के अधीन लोगों की दयनीय स्थिति के विषय में कह रहे हैं। कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ लोगों के मन में किसी प्रकार का डर न हो और वे सम्मान के साथ जी सकें। वे यह भी कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन में किसी प्रकार का डर न हो और मस्तक आदर और सम्मान के साथ ऊंचा उठा रहे। ऐसा भारत हो जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हो जिस पर अंग्रेजी शासन में प्रतिबंध था। और यहाँ हम देखते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कवि की कल्पना है कि ऐसा भारत होगा जहाँ लोगों की दुनिया यानी उनकी जिंदगी टूटे टुकड़ों में नहीं बिखरी होगी। देश में लोगों के बीच धर्म, रंग, जाति और मान्यताओं की संकीर्ण दीवारें नहीं होंगी। और यहाँ हम देखते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है जहाँ शब्द सत्य की गहराइयों से निकलते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन के सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं और देशवासी उन्हें समझेंगे। और अब यहाँ आपके सामने जो लाइन है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। कवि की कल्पना है कि कोशिश होगी पूर्णता को प्राप्त करने की, एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने की। और यहाँ हम देखते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इन पंक्तियों में कवि लोगों के विचारों के विषय में कहते हैं कि वैसी अवस्था में उनके विचार स्पष्ट और नेक होंगे और बुरी आदतों के वीरान रेगिस्तान की रेत में दफन हो लुप्त नहीं हो गए होंगे। कहने का अर्थ है कि सामाजिक बुराइयों से दूर लोग ईमानदार और विवेकशील होंगे। और ये अंतिम 3 लाइन्स हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। कवि ईश्वर को मार्गदर्शक मानते हैं। कवि का कहना है कि ईश्वर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण ही विचारों में व्यापकता और कर्मों में कर्मठता आती है। कवि ईश्वर को अपना पिता कह उनसे अपने देश को जगा स्वतंत्रता की स्वर्गिक अनुभूति में लाने की प्रार्थना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और आप करते हैं
तो आपको हैरानी और खुशी होगी कि आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।